गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स एंड रिस्पेक्टेड पेरेंट्स। तो आज हम हिंदी का पार्ट दो करेंगे जो कि है वर्णमाला। ठीक है, तो देखिए हमारे हिंदी के वर्णमाला में अ से ज्ञ तक स्वर और व्यंजन होते हैं। तो आइए पहले स्वर को पढ़ते हैं। तो स्वर में देखिए अ से अनार, आ से आईना, ई से छोटी ई से इंद्रधनुष, बड़ी ई से ईंट। ठीक है, छोटी ऊ से उपज, बड़ी ओ से ऊन। ठीक है, ए से छोटे ए से एस्किमो, बड़े ए से ऐनक। ठीक है, ओ से ओढ़नी, ओ से औषधि, अम से अंगूर और अहा से अता, री से ऋषि। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्वर। स्वर हमारे इतने होते हैं अ से ऋषि तक। ठीक है, अब देखिए व्यंजन। ठीक है, व्यंजन में अब क वर्ग पढ़ते हैं। तो क वर्ग में होता है चार। देखिए क से कछुआ, ख से खरबूजा, ग से गमला, घ से घड़ी और र। ठीक है, उसके बाद देखिए चार वर्ग में भी पांच होते हैं। च से चक्र, छ से छड़ी, ज से जलेबी, झ से जरना और इया। ठीक है, अब देखिए ट वर्ग। ट वर्ग में ट से टहनी, ठ से ठठेरा, ड से डलिया, ढ से ढपली और ड़ा। ठीक है, अब देखिए त वर्ग में ट से तरबूज, थ से थैला, द से दरी, ध से धरती, न से नदी। ठीक है, अब देखिए प वर्ग। प से पत्ती, फ से फल, ब से बगुला, भ से भारत माता, म से मंजीरा। ठीक है, अब देखिए य वर्ग। य से यति, र से राखी, ल से लड्डू, व से वर्षा। अब देखिए श वर्ग। स से शंख, स से छय, षष्ठ, स से सब्जी और ह से हाथ। अब देखिए संयुक्त व्यंजन। कुछ कुछ व्यंजन ऐसे होते हैं जो दो व्यंजनों को मिला के बना होता है। जो अभी हमने व्यंजन पढ़े ना ऊपर में, उनको दो व्यंजनों को मिला के बनता है। तो देखिए ये छ, छ क्षत्रिय का, त त्रिभुज, ज्ञ ज्ञान, श्र श्रमिक। ठीक है, अब देखिए अतिरिक्त व्यंजन, यानी दो अलग से और व्यंजन होते हैं। वो है ड़ सड़क और ढ हो गया पढ़ाई। ठीक है, जैसे आप सब करते हैं पढ़ाई। तो ये हो गए सारे स्वर और व्यंजन जिसको आप कॉपी में लिखेंगे। पूरे स्वर और व्यंजन आपको अ से लेके ज्ञ ज्ञानी तक याद करने हैं और लिख लिख के आप कॉपी में लिखेंगे। आपका होमवर्क है। ठीक है, अब आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू।